हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पारिक नर्सिंग एकेडमी। तो आज मैं इनिमा कैसे पेशेंट पे दिया जाता है इसका डेमो करके दिखाने वाली हूँ। तो इनिमा किसी भी तरह का सॉल्यूशन, अगर वो मेडिकेटेड सॉल्यूशन हो, सिंपल सॉल्यूशन हो या न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन हो, अगर उसे हम लोग रेक्टम के थ्रू इंसर्ट करते हैं पेशेंट में फॉर क्लीनिंग इंटेस्टाइन, तो उसे हम लोग कहते हैं इनिमा। तो आज हम लोग इसका ही डेमो करके दिखाने वाली हूँ कि हम लोग किस तरह से इनिमा देते हैं पेशेंट में। तो इसके लिए आर्टिकल्स जो रिक्वायर्ड है, दैट आर अ ट्रे कंटेनिंग अ बॉल विथ नॉर्मल स्लाइन, वन किडनी ट्रे, लिग्नोकेन जेली, वो तरह का ऑइंटमेंट हम लोग ले सकते हैं, वन थर्मामीटर, वन बॉल विथ गॉज पीसेस एंड कॉटन बॉल, वन पेयर ग्लव्स एंड वन मैकिनटॉश, वन बाथ ब्लैंकेट एंड वन बेड पैन, ठीक है। एंड जो है जो आर्टिकल्स में हम लोग को मेनली है, एक इनिमा कैन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनिमा कैन के थ्रू ही हम लोग इनिमा प्रोवाइड करेंगे। ये इनिमा कैन है, ठीक है, इसमें हम लोग ने नॉर्मल स्लाइन रखा है, ये ट्यूबिंग है इनिमा का, ये क्लैंप है, इसी से हम लोग जो है जो भी सॉल्यूशन हम लोग देंगे तो उसको हम लोग इससे रेगुलेट करते हैं कि हम लोग को कब इससे रिलीज करना है। इसके बाद में जो लास्ट एंड है ये है रेक्टल ट्यूब, इससे हम लोग रेक्टम में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना 6 to 8 या 10 सेंटीमीटर तक का इतना लंबा होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर टू होल है, इससे जो सॉल्यूशन होता है वो अंदर जाता है, इंसर्ट होता है। तो पर्पस है इनिमा का, दैट इज टू रिलीव फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को बहुत दिन से कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो तो उसको रिलीव करने के लिए भी हम लोग इनिमा देते हैं, या फिकल इंफेक्शन का केस हो, बहुत दिन से पेशेंट को स्टूल पास नहीं हो रहा है, हार्ड स्टूल के कारण समटाइम वीक, 2 वीक या 1 मंथ तक पेशेंट को पास नहीं हो पाता है, तो उसमें इनिमा बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा डिलीवरिंग मेडिकेशंस, बहुत तरह का मेडिकेशन जो होता है पेशेंट को, गैस्ट्रो वाले पेशेंट को मेनली, जिसको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है इंटेस्टाइन में, तो उस समय मेडिकेटेड इनिमा हम लोग देते हैं। एंड अनदर इज टू प्रिपेयर पेशेंट फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, या मेडिकल किसी भी तरह का प्रोसीजर करना हो तो उसके लिए हम लोग पहले इनिमा देते हैं, किसी भी तरह का सर्जरी करना हो तो उसके पहले हम लोग इनिमा देते हैं और पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो दीज आर पर्पसेस ऑफ इनिमा। मेनली टू टाइप्स ऑफ इनिमा होता है, पहला होता है इवेक्वेंट इनिमा एंड सेकंड होता है रिटेंड इनिमा। इवेक्वेंट इनिमा 3 टाइप्स का होता है, सिंपल इवेक्वेंट इनिमा, जब हम लोग नॉर्मल स्लाइन यूज करते हैं तब हम लोग सिंपल इवेक्वेंट इनिमा करते हैं, मेडिकेटेड इवेक्वेंट इनिमा जब हम लोग मेडिसिन सॉल्यूशन में देते हैं तो वो होता है मेडिकेटेड इवेक्वेंट इनिमा, लास्ट वन इज कोल्ड इनिमा, जब हम लोग कोल्ड वाटर मेनली प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को तो होता है कोल्ड इवेक्वेंट इनिमा। सेकंड टाइप इज रिटेंड इनिमा, रिटेंड इनिमा में एग्जाम्पल है स्टिमुलेंट इनिमा, सिडेटिव इनिमा, एनेस्थेटिक इनिमा, इमोलियंट इनिमा, तो ये सब टाइप्स है आपका रिटेंड इनिमा का। इसमें जो मेडिकेटेड इवेक्वेंट इनिमा है इसमें भी टाइप्स है, सब एग्जाम्पल आर परगेटिव इनिमा, वॉयल इनिमा, एस्टिंजेंट इनिमा, तो ये सब एग्जाम्पल है टाइप्स है मेनली इनिमा का। तो जो आज मैं प्रोसीजर करके बताने वाली हूँ दैट आर इवेक्वेंट इनिमा, सिंपल इवेक्वेंट इनिमा। प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए पेशेंट को हम लोग जो है लेफ्ट लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और इसके लिए एक आईवी स्टैंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनिमा हम लोग देने जा रहे हैं तो प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। तो हम लोग एक कर्टेन भी जरूर रखेंगे पेशेंट के पास में, कर्टेन लगाएंगे फर्स्टली। सबसे पहले हम लोग जो मैकिनटॉश होगा उसे हम लोग आएंगे, ग्लव्स वियर करेंगे, एंड पेशेंट को एक्सप्लेन करना है अबाउट द प्रोसीजर, क्योंकि जो अब इनिमा हम लोग देने जा रहे हैं तो जो होता है पेशेंट के लिए अननेचुरल जो फीलिंग उसको हो सकता है, वो डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है, तो इसके जो भी प्रोसीजर है इसके बारे में हम इसे कम्प्लीटली अच्छे तरह से बतलाएंगे। पेशेंट का जो भी क्लॉथिंग होगा उसे हम लोग लूज करेंगे,
देन पेशेंट को हम लोगों को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में करना है एंड थोड़ा नी को हम लोग बेंड करते हैं क्योंकि जो भी रेक्टम हो वहाँ पे अच्छा स्पेस बन सके, हम लोग इजिली इंसर्ट कर सके। बाथ ब्लैंकेट जो होगा वो हम लोग पेशेंट को देंगे क्योंकि जो है वो पार्ट ही हम लोग एक्सपोज करेंगे जो कि हमें यूज करना है, तो हम लोग कवर कर देंगे पेशेंट को। इनिमा कैन जो भी हम लोग सॉल्यूशन लेंगे पहले से प्रिपेयर किया हुआ, अगर हम लोग नॉर्मल सलाइन ले रहे हैं तो हम लोग इसमें NaCl भी ऐड कर सकते हैं या जो भी मेडिसिन जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं, जो भी ऑर्डर किया है डॉक्टर ने, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है प्रिपेयर कर लेते हैं इनिमा जो भी सॉल्यूशन है उसको। और इनिमा सॉल्यूशन हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हम लोग थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। जो नॉर्मल सॉल्यूशन जो होता है इनिमा के लिए उसका जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होना चाहिए, तो उससे हम लोग चेक कर लेंगे कि सॉल्यूशन जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं। समटाइम जो होता है ज़्यादा हॉट वाटर से या कोल्ड वाटर से भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है देने के लिए पेशेंट को उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। रेक्टल ट्यूब होता है ठीक है, इसमें हम लोग जेली या ऑयल अप्लाई करके इससे ल्यूब्रिकेंट कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग इसे लुब्रिकेंट करेंगे ताकि इजिली इंसर्ट हो जाए। नौ यहाँ पे जो क्लैंप है हम लोग इसे देखना जरूरी है और जो भी इसमें अगर ट्यूबिंग में एयर है तो उसे भी हम लोग को रिलीज कर लेना है, तो हम लोग किडनी ट्रे में थोड़ा सा जो एयर जो सॉल्यूशन है उसे हम लोग थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे होगा, उसको हम लोग लेकर इंसर्ट करेंगे रेक्टम में। 5 to 6 या 7 सेंटीमीटर हम लोग इंसर्ट करते हैं अडल्ट में ठीक है, तो हम लोग पेशेंट को थोड़ा गहरी लंबी सांस लेने को बोलेंगे एंड इसे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में हम लोग जो भी क्लैंप होगा उसे ओपन करेंगे। इनिमा कैन हमेशा हम लोग 45 सेंटीमीटर एवव ही रखते हैं पेशेंट से। नौ क्लैंप को ओपन करेंगे और सारा जो सॉल्यूशन होगा वो पेशेंट के इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और उसे क्लीन करेगा। जब पूरा सॉल्यूशन चला जाएगा पेशेंट के इंटेस्टाइन में उसके बाद होल्ड करना है 10 टू 15 मिनट्स तक ताकि जो भी सॉल्यूशन है वो अपना काम करे और जो भी गंदगी हो इंटेस्टाइन से वो बाहर निकल पाए। जब भी हम लोगों को इसको रिमूव करना होता है लेंगे हैंड में एंड गॉस पीस को हम लोगों को रेक्टम के पास में इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर हम लोग कर यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रेक्टम के पास में, तब हम लोग इसे स्लोली स्लोली रिमूव करेंगे ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिमूव करेंगे। अगर पेरिनियल केयर का रिक्वायर्ड होगा तो हम लोग पेरिनियल केयर भी पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। हम लोग बेड पैन अगर पेशेंट को तुरंत डिफिकेशन करने का हो तो हम लोग उसे बेड पैन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और अगर पेशेंट मूवेबल है जा सकता है खुद से तो हम लोग पेशेंट को भेज सकते हैं वहाँ तक, उसे हेल्प कर सकते हैं टॉयलेट पहुँचाने में, वहाँ तक बाथरूम तक ले जाएंगे हम लोग पेशेंट को। दिस इज ऑल अबाउट इनिमा प्रोसीजर। इसके बाद में जो भी हम लोगों ने बाथ ब्लैंकेट प्रोवाइड किया है इसे रिमूव करेंगे, पेशेंट को कम्फर्टेबल पोजिशन देंगे, अगर पेशेंट थोड़ा मूव करना चाहे तो मूव करेंगे या जो भी पोजिशन में पेशेंट रहना चाहे उसे हम लोग कम्फर्टेबल पोजिशन देंगे। ग्लव्स को रिमूव करेंगे एंड ऑल आर्टिकल्स हम लोग डिस्कार्ड करेंगे एंड रिप्लेस करेंगे एंड रिकॉर्ड करेंगे प्रोसीजर इन नर्सेस नोट विद डेट एंड टाइम। तो दिस इज ऑल अबाउट इनिमा प्रोसीजर। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू योर स्टूडेंट्स प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर इस तरह का वीडियो और आप भी देखना चाहते हैं प्रोसीजर वीडियो तो प्लीज कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझसे जो भी आप टॉपिक का प्रोसीजर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।